नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम पर बेस्ड होंगे। एक प्रकार से आप इसको मॉडल पेपर कह सकते हैं, हालांकि इसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें सिर्फ जीएस का टॉपिक होगा। अब जीएस में जैसे इतिहास से क्वेश्चंस रहेंगे, भूगोल से, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, सामान्य जागरूकता और सामयिकी, यहाँ से प्रश्न रहेंगे। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और कई मॉडल पेपर में करा दूंगा। अगर आपको पसंद आता है, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको भी लगता है। देखिए, सारे जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं ये सब सिलेबस को ध्यान में रखकर और आपके पेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डाले गए हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको बताना है कि कौन सा काल है जो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट माना जाता है। तो ऑप्शन चारों दिए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सही आंसर बताऊँगा और यहाँ पर मैंने करेक्ट का निशान भी वहाँ पर लगा रखा। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी सही होगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान रही थी, ऐसा माना जाता है और ये सबसे एग्जैक्ट टाइम माना जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तंबाकू। तंबाकू एक ऐसी फसल थी जो कि वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए या विद्रोहियों का दमन करने के लिए अशोक को कहाँ पर भेजा था। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तक्षशिला। बिंदुसार का बेटा था अशोक, तो बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को तक्षशिला में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा था। तक्षशिला पाकिस्तान में है इस समय, तो आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है ह्वेनसांग, मेगस्थनीस, इत्सिंग, फायान। यहाँ पर मेगस्थनीस सही रहेगा, ऑप्शन बी। मेगस्थनीस ने इनमें से सबसे पहले भारत का दौरा किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर पाँच नंबर का प्रश्न है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन ए ही सही होगा, कुशीनगर, या कहीं कहीं इसको कुशीनारा भी बोलते हैं। तो चाहे कुशीनगर बोले या कुशीनारा बोले, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। छः नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की, यानी सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की थी महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चंपारण, जो कि बिहार में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर सात नंबर का प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी या किससे संबंधित है देश बंधु। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चितरंजन दास, सी आर दास आप इनको बोल सकते हैं शॉर्टकट में, फुल फॉर्म इनका है चितरंजन दास। फिर यहाँ पर आठ नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1919 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है नौ नंबर का प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करता अलग अलग थे, तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह का नाम आता है यहाँ पर, कुंवर सिंह का। कहीं कहीं लिखा होता है जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर बिहार में ही है, तो बिहार का पूछ ले डायरेक्ट या फिर जगदीशपुर का पूछ ले, तो कुंवर सिंह आप ऑप्शन में रहेगा, उसको सही करेंगे। दस नंबर का प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है।
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि टाइम आपका बचे, इसलिए क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं, पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, ऐसे मैं बोलूँगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, तब तक मैं दो क्वेश्चन करा दूँगा। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। दो तीन बार आपको वीडियो देखनी है फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, मैंने कंप्लीट करा दिए, ऐसे सीक्वेंस से सारे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अब यहाँ 5 क्वेश्चन आपके भूगोल के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि टोटल देखें तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम तो केपलर ने प्रतिपादित किया था, और 3 नियम थे। केपलर ने ग्रहों की गति के कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 नियम। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हिमालय पार की नदियां हैं। अब ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला है, हिमालय पार का मतलब क्या होता है? देखिए ऐसी नदियां जो एक प्रकार से हिमालय के उस पार से निकलती हैं, आप कह सकते हैं, मतलब जो भारत की ओर जो हिमालय का पार्ट है उधर से नहीं, यानी कि उस पार से उत्तर की ओर से निकलती हैं, उन नदियों के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए गंगा नहीं, क्योंकि गंगा उत्तराखंड से निकलती, उत्तराखंड हिमालय के इसी पार है, यानी कि गंगा जिसमें शामिल होगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। अब देखिए गंगा है नहीं तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा और ए वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में गंगा है और गंगा निकलती है इस पार से ना कि उस पार से, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये हिमालय पार की नदियाँ हैं, आप इनको कह सकते हैं हिमालय पार की नदियाँ। फिर यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी मतलब जिसको जिससे जिसका उत्पादन हम कह सकते हैं आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि पैसे के लिए किया जाता है, नकदी फसल उसे ही कहते हैं जिसे नकद हमें रकम मिल जाती है। तो गन्ना, कपास, जूट, ये सब तो नकदी फसलें हैं, लेकिन गेहूँ नहीं है। वैसे कहीं कहीं किसी राज्य में गेहूं भी है, ये अलग अलग क्षेत्रों पर डिपेंड करता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे देश में गेहूं, चावल, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं, खाने वाली फसलें हैं। इनका हम मतलब जल्दी निर्यात नहीं करते, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है तो निर्यात करते ही हैं, लेकिन इनको खाद्यान्न फसल कहा जाता है ना कि नकदी फसल। तो ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। केरल में पनियान तथा इरुला जनजातियाँ निवास करती हैं, केरल ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड बांध, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वहाँ पर टिहरी डैम यानी टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध यहाँ पर आपका होगा सबसे लंबा बांध। 16 नंबर का प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, तो ऑप्शन बी सही होगा, 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919, इसे ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ध्यान से पढ़ना, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। यूएसए यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान की गई मूल अधिकारों को। फिर यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? एकमात्र राज्य है भारत का जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, कौन सा राज्य है? तो गोवा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गोवा। ये याद रखिए, ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पर आयुक्त होगा, तो इसकी नियुक्ति तो करते ही हैं।
राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति तो करते हैं, चलिए मान लेते हैं सही है, सॉरी राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जैसे सॉरी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये दोनों चुने जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि जो प्रधानमंत्री ये भी तो चुने जाते हैं जनता द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, भले ही ये चुन के जाते हैं जनता द्वारा, ये एक प्रकार से सांसद होते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? सांसद। तो अगर पूछे कि सांसद की नियुक्ति होती है या वो चुने जाते हैं, तो सांसद का चुनाव होता है, लेकिन सारे सांसद मिलकर के एक उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के पोस्ट पर। तो प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो नियुक्त ही किया जाता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है ये नहीं नियुक्त किया जाता है, इसका चुनाव होता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों का चुनाव तो होता ही है। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है यानी बची सकते हैं, जैसे शक्तियाँ तीन भागों में बांट दी गई हैं, तीन भागों में क्या हम कह सकते हैं, दो ही भागों में, जैसे कुछ शक्तियाँ राज्य को दे दी गई हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे दी गई हैं, लेकिन जो बच गई शक्तियाँ वो किसको दी गई हैं, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्तियाँ, तो वो केंद्र के पास ही हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछे अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं, तो केंद्र के पास। अब यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है B.S. मिन्हास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, B.S. मिन्हास। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और इनकी एक पुस्तक भी है द वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक एडम स्मिथ की ही है। और फिर यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फिर यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? मानसून के प्रारंभ में यानी कि जब बरसात शुरू होती है तो फसल बोई जाती है, उस फसल को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, नकदी फसल, क्या कहते हैं? तो उसको खरीफ की फसल कहते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, खरीफ की फसल जिसमें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीज़ें बोई जाती हैं। जैसे धान आप लोग देखते हैं जब बरसात शुरुआत होती है तभी इसको धान की बुआई करते हैं, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर है 25 नंबर का प्रश्न है, बजट का एक लेख पत्र है, सॉरी बजट एक लेख पत्र है, अब इसमें बताना आपको किसका लेख पत्र है, मौद्रिक नीति का, या फिर सरकार की वाणिज्यिक नीति का, या फिर सरकार की राजकोषीय नीति का, या फिर मुद्रा बचत नीति का? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। बजट क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का, कि जो राजकोष है सरकार के पास उसका कितना कहाँ पर व्यय करना है, कहाँ से कितनी आय लेनी, यानी आय व्यय का लेखा जोखा पूरा होता है राजकोषीय नीति का। 26 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं, पावर हाउस किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइटोकांड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह। 27 नंबर का प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्रणाली कौन है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी मतलब जीव कौन सा है? तो बंदर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंदर। फिर यहाँ पर है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था इनमें से? आपको इन्हीं चारों में से बताना है,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिया। इन चारों में सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था। फिर यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है तो। पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोई भी नाव या कोई भी चीज़, नाव की छोड़ो, कोई भी चीज़ पानी में डूब जाएगी अगर वो अपने बराबर का पानी हटा देती है, यानी अपने बराबर आयतन के बराबर का पानी हटा देती है। जितना उसका आयतन है, मान लीजिए आपने सिक्का डाला पानी में, तो सिक्का का जो आयतन है अगर वो उतना पानी हटा देती अपने आयतन के बराबर, तो सिक्का डूब जाएगा और इसीलिए सिक्का डूब जाता है आप देखते हैं। जबकि नाव नहीं डूबती क्योंकि वो नहीं हटा पाती है पानी। फिर यहाँ पर है 30 नंबर का क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही आसान प्रश्न है, न्यूटन ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा जीके जीएस में इसको, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, 32 नंबर का प्रश्न है, तो वेटिकन सिटी ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। सबसे बड़ा देश तो रूस है, आप सभी लोग जानते हैं। किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है। किस स्थान को, 33 नंबर का क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है, तो भुवनेश्वर को, जो कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, इसी को भारत का कैथेड्रल कहा जाता है। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसको कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेंगलोर। 35 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, तो पहले था मध्य प्रदेश, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान हो गया। तो अगर आज की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर यहाँ पर और सबसे छोटा गोवा, सबसे छोटा गोवा, ये भी जान लीजिए। फिर यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन ए दिल्ली में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। 2-3 बार आपको बोलना है फिर आपको ये याद हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। चाहे अजंता की पूछे या एलोरा की पूछे, ये सब महाराष्ट्र की हैं, या एलिफेंटा की गुफाएं पूछे तो भी महाराष्ट्र। फिर यहाँ 38 नंबर का प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में है। फिर भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन है, यानी सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था भारत में, आप कह सकते हैं किसी राज्य का, अब कोई भी राज्य हो, राज्य यहाँ पर नहीं दिया है, बट ज्योति बसु को कहा जाता है कि इनका कार्यकाल सबसे बड़ा था, ज्योति बसु का। भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सेवारत मुख्यमंत्री यही हैं, ज्योति बसु। 40 नंबर का प्रश्न है, हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन ए जयपुर राजस्थान, ये जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। फिर यहाँ पर है 41 नंबर का प्रश्न, अब देखिए सारे करंट अफेयर्स आएंगे, 10 क्वेश्चन लास्ट के करंट अफेयर्स रहेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर अभी जनवरी के करंट अफेयर्स लिए हैं, सारे के सारे जनवरी के हैं। हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि आप 18 साल से कम उम्र की अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी, अपनी पुत्री की शादी नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो आपको 12 साल की सज़ा दी जाएगी। तो ये काम किया है फिलीपींस, फिलीपींस एक देश है, इसने काम किया है, यानी कि प्रतिबंध लगाने वाला देश ऑप्शन बी फिलीपींस होगा। फिर यहाँ पर देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये चाइना का बैंक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं,
तो यहाँ पर देखिए टिक नहीं लगा है, बट यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल सही हो जाएगा, उर्जित पटेल। 43 नंबर का प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे या हिंदी दिवस पूछे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ विश्व हिंदी दिवस की बात की गई है, तो 10 जनवरी को अगर वैसे पूछे हिंदी दिवस तो 14 सितंबर आप सभी लोग जानते हैं। फिर यहाँ पर है चौथा क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, इतना आपको बता दिया। ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? आपको बताना है ओपेक, ये जो संगठन है विश्व पेट्रोलियम निर्यातक देशों का, इसका महासचिव किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैथम अल घिस को, हैथम अल घिस। 45 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के मामले में प्रथम स्थान दिया गया है, जबकि दूसरा स्थान राजस्थान का है। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है? बूस्टर डोज यानी जो कोरोना की वैक्सीन है वो बूस्टर डोज देने की अनुमति दी है, कौन से देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को? तो अमेरिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका ने कहा है, जो बाइडन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज दिया जाए। 47 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, एमपी को सौंपी गई है। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनावरण किया है? तो ऑप्शन बी पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन बी पाकिस्तान। अब ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, 50 नंबर का, नोवाक जोकोविच जिन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बालकन एथलीट 2021 नामित किया गया है, ये किस देश के हैं? तो ये सर्बिया के हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्बिया एक देश का नाम है, वहीं के हैं। तो ये टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो गए, इसमें जीएस प्लस करंट अफेयर्स था, आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें थी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो और भी मॉडल पेपर ऐसे मैं लाऊंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।